सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं विराट कोहली सर का ड्राइंग करना सिखाने वाला हूं। तो ये होने वाला है अपना आउटलाइन ट्यूटोरियल। इसके लिए मैंने लिया हूं A4 साइज का पेपर एंड इसके लिए लिया है और इसको मैं बनाने वाला हूं ग्रिड मेथड टेक्निक की मदद से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रिड तैयार करेंगे, देन बाकी का प्रोसेस आपको स्टेप में बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले हमने 2-2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के पूरा चारों साइड मार्क कर लेना है। देन मार्क होने के बाद हम उसको आपस में मैच कर देंगे ताकि हमारा एक सॉफ्ट ग्रिड बॉक्स बन के तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आप जब ग्रिड बनाएंगे तो आप जो पेंसिल यूज करेंगे वो ज्यादा डार्क पेंसिल यूज नहीं कीजिएगा। आप HB पेंसिल लेके उसको पूरा अपना ग्रिड लाइन तैयार करना है, क्योंकि बाद में हमको उसको इरेज भी करना रहेगा। और आप हल्के हाथों से ग्रिड तैयार कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं रिफरेंस पिक में, ऐसे रिफरेंस पिक के सभी ग्रिड बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो वो हम नंबर सभी जो अपने ड्राइंग सीट है उसमें पूरा ग्रिड बॉक्स में नंबर दे देंगे। तो फ्रेंड, हम चारों तरफ पूरा नंबरिंग लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना रहेगा, जैसे कि आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा मैं हमेशा राइट आई से स्टार्ट करता हूँ। आप कोई भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो ड्राइंग करना। तो सबसे पहले हम रिफरेंस पिक में फाइंड करेंगे कि अपना जो आई है वो कौन से ग्रिड बॉक्स पे आ रहा है। तो ऊपर से देख सकते हैं ये 4 नंबर में आ रहा है और साइड से ये 7 नंबर में आ रहा है। तो अपना ये जो नंबरिंग निकाले हैं वही हमको फाइंड करना रहेगा अपने ड्राइंग शीट में। तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से देख सकते हैं 4 नंबर है और नीचे से 7 नंबर है। अब यहाँ हम क्रॉस कर देंगे ताकि हमको एक सेंटरिंग पॉइंट मिल जाए हमको ड्राइंग करने के लिए। तो हम वो कर देते हैं। अब हमको क्या करना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमको इसको ड्रॉ करते जाना है। देखिए, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देन आपको वही प्रोसेस पूरा देखने के बाद आपको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है ताकि आप भी ऐसा ड्राइंग बना पाए। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने आई से ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको लाइकली क्या करना रहेगा, कौन से ग्रिड बॉक्स में उसका नोज आ रहा है, कौन से में लिप्स आ रहा है, कौन से में बाकी अदर पोर्शन आ रहा है, वो सब आपको ध्यान देना है। और ध्यान रहे, आप इसको जूम कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर, स्केल की मदद से आप उसको जूम कर लीजिएगा ताकि आपको क्या रहेगा रेफरेंस पिक को थोड़ा सा और समझने में इजी हो जाएगा, है ना। तो आप वही चीज फॉलो करते जाइएगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देन उसके बाद पूरा प्रोसेस आप सेम अपने ड्राइंग शीट में जब बनाएंगे आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो आप इसको म्यूजिक के साथ देखिएगा।
तो हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।